गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग ऑफ माय चैनल। और आज है सैटरडे और अगेन आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। मैंने कंटिन्यूस 3 दिन व्लॉग किया है और आज ये 4th डे है। मैं देख रही हूँ और आप लोगों को दिखा रही हूँ मेरा डेली रूटीन क्या होता है एंड जस्ट ट्राई कर रही हूँ देख करके। फिर बोर हो जाऊंगी, फिर थोड़ा स्टॉप कर दूंगी ऐसे। तो मतलब वो जो 1 वीक का मैंने ब्रेक लिया ना व्लॉगिंग से, उससे मेरे को काफ़ी रिफ्रेशमेंट मिल जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा ब्रेक ले लेकर के करती हूँ, क्योंकि वो एक साथ आप सेम चीज़ें करते हो ना तो आपकी क्रिएटिविटी किल होती है, देन वो मोनोटोनस चीज़ें होती हैं और मेरे को मोनोटोनस चीज़ें करने में थोड़ा बोरियत, मैं जल्दी बोर हो जाती हूँ। तो वैसा एंड अभी जस्ट सुबह आज मैं, और एक और चीज़, आज मैं सुबह काफ़ी जल्दी उठ गई थी। आज मैं 7 बजे उठ गई थी। रीज़न ये है कि कल हम लोगों ने बहुत हल्का फुल्का डिनर किया था, मतलब पुलाव खाया था, खिचड़ी पुलाव जो होता है ना वो हम लोगों ने सिर्फ खाया था। एंड यू वॉन्ट बिलीव, मेरी सुबह 7 बजे बिना चिड़चिड़ के नींद खुल गई अपने आप, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मैं बहुत ऐसे क्रैंकी किड होती हूँ ना, वैसी थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी, मैं थोड़ी नॉर्मल थी। तो मुझे ऐसा लगता है आप रात में अगर हल्का खाना खाओ तो सुबह शायद आपकी ऑटोमेटिकली नींद खुलती है। मे बी एक मैं आज भी ऐसा करके देखने वाली हूँ, 2-3 दिन हम लोग ऐसा करके देखने वाले हैं, क्योंकि विक्की की भी बिना अलार्म के 6 o'clock पे नींद खुल गई थी और मेरी 7 o'clock पे नींद खुल गई थी। मैंने बहुत कोशिश करी तब भी 7:30 तक सोने का कि मैं सो जाऊँ, बट मेरे को नींद नहीं आई, तो फिर मैं फाइनली उठ गई। तो वैसा एंड अभी मैं अपने लैपटॉप में सारा अपना डेटा वेटा ट्रांसफ़र करी थी, क्योंकि इतने सारे ब्लॉग्स कर रहे हैं तो मेरा पूरा जो भी मेमोरी कार्ड्स है वो सब फिल हो चुके हैं, पूरी तरह से भर गए हैं, तो वही खाली कर रहे थे। और आज क्योंकि हम लोग सुबह जल्दी उठ गए हैं तो काफ़ी क्लीनिंग वाला जो प्रोसेस है वो चल रहा है, मतलब झाड़ू पोछा हुआ है अभी एंड डस्टिंग अभी रह गई है, तो डस्टिंग मैं अभी करूँगी। और यहाँ पर प्रिपरेशंस चल रही है, मिक्की यहाँ पर प्रिपरेशंस कर रहा है, वेजीज वगैरह कट कर रहा है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं मैक्रोनी, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो आप वो देख सकते हैं। और आज सुबह मैं गई थी वेजिटेबल्स लेने के लिए, मतलब हमारे जस्ट बिल्कुल पास में कॉलोनी से निकलते ही जो सोसाइटी के नहीं ग्रोसरी शॉप्स होती हैं उनमें जाकर के मैं लेकर आई, तो उनके पास भैया के पास सारा सामान मिल जाता है। तो मैं वहीं से, जैसे हमारे टमाटोज ख़त्म हो गए थे, पोटैटो ख़त्म हो गए थे, देन स्प्रिंग अनियन लेकर के आई और क्या लेके आई, दूध के पैकेट लेके आई और लेमन्स लेकर के आई, दैट्स इट, ऐसे बेसिक चीज़ें लेकर के आई हूँ। तो वो मैं लेने के लिए गई थी, उसकी मैं क्लिपिंग यहाँ पर डाल दूंगी एंड अब हम स्टार्ट करते हैं बाकी का क्लीनिंग वगैरह करना, सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। और हाँ, अभी कपड़े भी वॉश हो रहे हैं, तो आज काफ़ी सारा काम हो रहा है, जो फैंस वगैरह है उसकी क्लीनिंग हुई है। तो सैटरडे हमारे ऐसे जाते हैं, यूजुअली हमारे सैटरडे संडे काम करते हुए जाते हैं, मतलब बहुत सारे काम रहते हैं हमारे घर के, तो वही कर रही हूँ। और साथ में जो DIY चल रहा है उसका भी आज मुझे कुछ करना है। और हमने एक हार्डवेयर वाले भैया हैं जिनसे हमारे कॉन्टैक्ट है, उनको हमने कॉल करके 1-2 सामान निकाल के रखने के लिए बोला है, जैसे कि मुझे सैंड पेपर चाहिए, मेरा सैंड पेपर पूरा ख़राब हो चुका है, और दूसरा मुझे एक पेंट चाहिए, तो मैं सब उनसे लेकर के आऊँगी। तो वो क्या करते हैं, 1 दिन पहले आप उनको कॉल करके बता दो और वो फिर उसको रख देते हैं निकाल करके। गाइस, तो अब क्लीनिंग रूटीन करने वाली हूँ मैं। तो मैं यूजुअली पहले तो मैं फिर भी जब आंटी आती थी तो मैं दो दिन में नहीं, हर अल्टरनेट डेज में डस्टिंग करती थी, बट अब मेरा लेट हो जाता है, मतलब समटाइम्स 2 दिन हो जाते हैं एंड समटाइम्स 3 दिन भी हो जाते हैं। डेली नहीं करती हूँ क्योंकि डेली मन नहीं करता है और डेली बहुत सारे काम होते हैं यार, तो नहीं कर पाती हूँ मैं, तो इसलिए मैं डेली ना करके हर 2 दिन में करती हूँ। और वाइट है तो जल्दी गंदा दिखने लगता है, जिस दिन मुझे लगता है कि अब ये ज़्यादा गंदा दिख रहा है, दूर से पता चल रहा है कि ये गंदा हो रहा है, तब फिर मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो मैं नॉर्मल वो जो वाइप्स होती है ये यूज़ करती हूँ, अभी आपको नीचे दिखेगा गंदा। अभी आई थिंक यू कैन सी दिस कि ये गंदा हो चुका है, ये देखिए। Time, and she knows what to figure out.
seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not know that everything she got from her. You got time, and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just find you someday. She left her home to find where she belongs. Her mother's scared to leave her all alone. बेसिकली दिस इज लाइक अ मिनी हवन. तो इसमें हम कपूर के साथ जला देते हैं हफ्ते में एक बार पूरे घर में. बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है और थोड़ी सी पॉजिटिविटी फील होती है. विंडोज वगैरह बंद है ताकि इसका जो पूरा है वो रूम के अंदर आ जाए. और जब तक मैक्रोनी जो है वो बॉइल वगैरह करने के लिए मैंने रख दी है, जब तक वो होगी तब तक मैं अपने बालों का थोड़ा सा वो करूंगी, मतलब हेयर मास्क लगाने वाली हूँ. बिकॉज लास्ट टू लास्ट परसों के दिन मैंने अपने बालों को कर्ल किया था एंड मैं कोशिश करती हूँ जब भी कर्ल करूँ उसके बाद एक बार हेयर मास्क लगा लूँ ताकि वो जो ड्राइनेस अगर हो भी रही हो या डैमेज थोड़े से हुए भी हो तो एटलीस्ट वो नॉर्मल हो जाए. Seen in a dream, a place where it seems that love will come around. So don't stay, you regret it all too much. Just wait, I will find you someday. So the same, yeah, she does not. तो बालों में मैंने ये लगा लिया है. और जब भी आप एलोवेरा का जो लीफ होता है वो डायरेक्टली लगाते हो ना तो आपको इचिंग होती है, मतलब बालों में और हाथों में भी मुझे ऐसे इचिंग हो रही है बहुत जम के. बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो और आप सोचो कि अरे ये इतना तेज इचिंग और ऐसे टिकलिंग सा सेंसेशन क्या हो रहा है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ आप वो जो लगाते हो एलोवेरा विथ लीफ लगाते हो, अगर उसका जो कवर नहीं हटाते हो देन दिस इज़ नॉर्मल, इचिंग होती है. अभी मुझे पूरे हाथों में इचिंग हो रही है, जहाँ जहाँ पर भी मेरा वो जो येलो येलो पार्ट होता है वो जगली पार्ट होता है, अगर वो आपके हाथ में टच हो जाता है तो इचिंग होती है. You got time and you know what to figure out. The scene in a dream, a place where it seems to love. Hey guys, so I just took shower और मैंने अभी सारा जो भी सामान है पीछे का वो sanitize करके open वगैरह किया है. और मेरा lunch हो चुका है, हम लोग खा चुके हैं. and now क्योंकि आज मैं तो जल्दी उठी हूँ तो मैं बाल वाल dry करके सोने वाली हूँ. and आज हम लोग series देख रहे हैं, broken but beautiful, पुरानी series है, I know first part ही चालू किया है. तो युक्ता कपूर की जितनी भी सीरीज़ है वो सब एक जैसी लग रही है मुझे. ये बिल्कुल बारिश टाइप की झलक, मतलब बहुत सारी चीज़ें सेम सेम है बट अभी कुछ भी नहीं है, सब हम देख चुके हैं. नई वाली जितनी भी सीरीज है तो वही देख रहे हैं. हाय गाइस, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग सो करके उठे हैं क्योंकि मैंने बताया था ना मैं आज जल्दी उठ गई थी तो मैं सो गई थी. और अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट मैं थोड़ा सा पेंटिंग वेंटिंग का कुछ कुछ काम करूँगी. और यहाँ पर विक्की बैठा हुआ है, अपने ऑफिस का काम कर रहा है और मैं भी अपना वो सब काम करने वाली हूँ, बैठने वाली हूँ. तो आज वैसे इतनी गर्मी फील नहीं हो रही ना, अभी इतनी गर्मी फील नहीं हो रही है जैसे ह्यूमिडिटी कल परसों हो रही, धूप निकल गई आज इसलिए आई गेस.
बादल होते हैं ना तब यहाँ ह्यूमिडिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, बट आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग धूप थी तो ह्यूमिडिटी काफ़ी कम है, तो अभी मैं यहीं पर बैठ करके अपना सारा काम करने वाली हूँ, तो उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। You out of my mind, it's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night, I've been searching for this all my life. You're just my type, I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright, they look into my soul and it sparks my life. Can I take you there, like it was the first time? Do you remember? Can I take you there, to when we felt like this was forever? Can I take you there? कलर्स, इसके अंदर मैं अपने सारे कलर्स रखती हूँ, तो एक तो ये पोस्टर कलर का बॉक्स है, काफ़ी सारे इसमें ख़त्म हो चुके हैं, बेसिक जो कलर्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, तो बट इसमें है। और उसके बाद एक ये एक्रेलिक कलर्स है, उसके बाद ये पोस्टर कलर्स हैं, देन अगेन ये पोस्टर कलर्स ही हैं, और देन फिर ये वाटर कलर्स का एक सेट है, फिर ये क्ले है, देन अगेन एक और वाटर कलर का सेट है, फिर उसके बाद आते हैं तो ये कुछ एक्रेलिक मेटेलिक कलर्स हैं जो कि यहाँ पर रखे हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ ऑयल पेंट्स भी मेरे पास रखे हुए हैं काफ़ी सारे, और जो चॉक पेंट होता है वो रखा हुआ है, तो इस तरह से कलर्स रखे हुए हैं। एंड देन उसके बाद ये वुडन स्टेन है, मतलब आपको अगर कोई सा वुड कलर चेंज करना है तो आप ये वुडन स्टेन जो है वो यूज़ कर सकते हो, सो दिस इज़ बेसिकली अ वुडन स्टेन। सो अभी हम जस्ट हमारे घर वालों से ऐसी बात कर रहे थे, तो वाटर फाउंटेन दिखा रहे थे कैसा चल रहा है एंड ऑल दैट, फिर बातों बातों में ना हम लोग उनको यही बता रहे थे कि काफ़ी सारे लोगों ने मेरे को इंस्टाग्राम पे उनकी DIY जो वाटर फाउंटेन है वो शेयर किया है, बकेट से रिलेटेड आइडिया ही है, पर छोटे छोटे से ट्विस्ट दिए हैं सबने, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जितने भी लोग वो शेयर कर रहे हैं और बना रहे हैं, और अगर आपने बनाया है या नहीं बनाया तो ट्राई ज़रूर करो यार, सबके घर में बकेट होती ही होती है, एंड आई थिंक सीमेंट भी आपको मिल जाएगी, और नहीं मिलेगी तो अब अमेजन पे सब कुछ डिलीवरी आना स्टार्ट हो चुका है तो आप मंगवा सकते हो, एंड अदरवाइज हार्डवेयर की शॉप पे अगर नहीं है सीमेंट तो मिल सकती है ना 50 रुपये की, हाँ एक पैकेट पर सब काम हो जाएगा, तो आप ट्राई ज़रूर करना, और अगर आप ट्राई करते हो तो हमको भेजना ज़रूर। मैं लिटरली उन सारे DIY वाटर फाउंटेन्स को सेव कर रही हूँ अपने पास, और दिन भर में मैं कम से कम 10 से 15 बार वो सब देख के बहुत खुश होती हूँ कि अरे वाह इतना अच्छा बनाया है ये वो फलाना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट दिए लोगों ने, एंड आई वाज रियली अमेज्ड टू सी ऑल दोस थिंग्स, मतलब मैं शेयर करूंगी किसी वीडियो में, वही बेसिक क्रिएटिविटी हम लोगों ने शुरू करी, आप लोगों ने उसमें एनहांसमेंट्स किए, इट्स अ परफेक्ट थिंग, एंड बहुत अच्छा लगता है उस वो सब चीज़ें देख करके, वीडियोस जो आप लोगों ने शेयर किया उसको, कुछ लोगों ने उसमें लिटरली बहुत अच्छी से क्रिएटिविटी ट्विस्ट करें, कुछ कुछ ट्विस्ट किया है, कुछ किया है कुछ, तो देखने में और अच्छा लगता है कि और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो हम लोग शेयर करेंगे इन सबके वीडियोस, एक बार आने दीजिए, मैं इन सबके लिए एक अलग से डेडिकेटेड इन सारे जितने लोगों ने बनाया ना उनका हम जरूर लेकर के आएंगे, बट अभी थोड़ा टाइम बाद, मतलब अभी लोग बना रहे हैं और उनको बनाने दो, और उसके बाद अभी लॉकडाउन है, कुछ लोगों के पास चीज़ें नहीं है, तो लेट पीपल मेक, एंड आफ्टर जब हमें ऐसा लगने लगा है कि हाँ अब काफी सारे आ गए वीडियोस आना बंद आ गए बंद हो गए हैं, तब हम जरूर रिवील करेंगे शो करेंगे। सो अभी मैं अपना यही DIY का कुछ कुछ काम कर रही थी, अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं 3 से 4 DIY बताऊंगी घर के सामान से ही, और लिटरली उसमें से जो एक चीज मैंने बनाई है ना वो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं मॉल से इसको लेकर के आती हूँ, 700 to up to 1500 तक का उसका रेंज है, जो कि हमने 50 रुपये में बना दी है, लाइक सीरियसली वो मेरा बेस्ट है, मतलब जो वो पूरा बन जाएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर आपको ऐसा कोई गैसेज आप कर सकते हो तो नीचे कमेंट करके बताना इस ब्लॉग के नीचे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, और आज है संडे और मैं कल का ब्लॉग अभी कंटिन्यू कर रही हूँ, तो अभी एक्चुअली हमारे नीचे जो पार्सल आते हैं ना तो वो जनरली गेट पे रख के छोड़ के चले जाते हैं, और वहाँ पर प्रॉपरली जो टेम्परेचर होता है वो चेक होता है, एंड देन फिर उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ रखा हुआ है, और इतने सारे फर्स्ट क्राई के और अमेजन के और मिंत्रा के पार्सल आते हैं, मतलब लिटरली ऐसे रखा रहता है, दूर 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 जमा के रख दिए जाते हैं, जिसका जो पार्सल है वो वहाँ सैनिटाइज करो, हाथ अपना पार्सल सैनिटाइज करो और लेके चले जाओ, तो मैं आपको भी मोबाइल से लेकर के चलती हूँ, मतलब मैं जा रही हूँ, मेरा पार्सल आया लेने के लिए, तो मैं वहीं लेने के लिए जा रही हूँ, तो मैं आपको लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ।
मैं अभी नीचे आना आ गई और मास्क पहनना भूल गई थी। इतने दिनों से हम लोग मास्क पहन रहे हैं, मतलब मैं मास्क पहन रही हूँ बट स्टिल अभी तक मुझे हैबिट नहीं हुआ है, भूल जाती हूँ मैं मास्क पहनना। अभी मैं बना रही हूँ लौंजी। लौंजी कच्चे आम से बनती है, ये MP UP राजस्थान की बहुत ही फेमस डिश है। आई डोंट नो ये बाकी जगह पे बनाई जाती है कि नहीं बनाई जाती, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों ने ये खाई है कि नहीं खाई है। तो मैंने आज सुबह ही अपनी मम्मी से कॉल करके पूछा है कि लौंजी कैसे बनती है। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है तो मैं वही बना रही हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत मुँह में इसका टेस्ट आ रहा था, मतलब इन शॉर्ट बोलो तो मुँह में पानी आ रहा था। मुझे याद आ रही थी लौंजी की बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी की छुट्टी में मुझे याद है अपनी नानी के जाती थी तो वहाँ पर बहुत गर्म गर्म रोटियों के साथ लौंजी खाते थे हम लोग। घर के कच्चे आमों की लौंजी होती थी, बहुत टेस्टी लगती थी वो। तो मैं अपने अकॉर्डिंग एकदम अकड़म तकड़म तरीके से इसको कट कर रही हूँ, जैसे मर्जी में मुझे कट करना है वैसे कट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लौंजी को कट कर लिया है प्रॉपरली। अब आपको करना कुछ नहीं होता है, इसको आप पहले वॉश भी कर लीजिएगा, मतलब थोड़ा सा मैंने इसको वॉश करा था। और यहाँ पर मैंने पैन लिया है, पैन में ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर मैंने सबसे पहला चीज़ डाला है वो हींग डाला है, मेथी दाना डाला है, उसके बाद राई डाली है और उसके बाद खड़ा धना डाला है और थोड़ी सी सौंफ डाली है। इन सबको हल्का सा भूनना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है आपको, हल्का सा भूनना है। और यहाँ पर आपको जो कच्ची कैरी है, जो मतलब आम है, कच्चे आम है, वो डाल देना है, कैरियों को डाल देना है। और उसके बाद यहाँ पर पानी डाल दीजिए, दैट्स इट। अब यहाँ पर आपको लाल मिर्ची डाल देना है और यहाँ पर मैंने काली मिर्ची और हल्का सा चाट मसाला भी डाला है ताकि वो चटपटा सा टेस्ट आए। और अब इसको बॉईल होने देना है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जैगरी पाउडर, आप शुगर भी डाल सकते हैं बट जैगरी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एंड में सॉइल ऐड करके आपको इसको बॉईल होने देना है और इस तरह के कलर में ये चेंज हो जाएगा। गरम गरम रोटियों के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। और आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।